पूरा देश राममय हो चुका है। अस्मित का रुख करते हुए, अस्मित पटना की अगर बात करें तो पटना में किस तरीके से अपने इष्ट के, अपने आराध्य के स्वागत में जो राम भक्त हैं वो उत्सुक नजर आ रहे हैं, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं पूरे बिहार में? बिल्कुल, देखिए पूरे बिहार की बात करें, राजधानी पटना की खास तौर पर देखिए तैयारी है और पूरी राजधानी जो है राममय है इस वक्त, और हर घर में, गली हर गली मोहल्ले में इस वक्त राम भगवान का जो झंडा है वो लहरा रहा है और जय श्री राम की गूंज देखिए। इस वक्त हम पटना के महावीर मंदिर में मौजूद हैं और ये देखिए सुबह से भक्तों की भीड़ है, सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार है और जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई थी। देखिए कि पटना के महावीर मंदिर में दूर दूर से लोग आज भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आज देखिए क्योंकि इसको लेकर के तैयारी की गई थी पटना प्रशासन की तरफ से, महावीर मंदिर के बाहर कई पुलिस की तैनाती की गई और वहां उसके बाद जो लाइन है उसे ठीक तरीके से लगाया गया, क्योंकि सुबह 3 बजे से 4 बजे से ही लंबी लंबी कतारें हैं और भगवान के दर्शन जो है लोग कर रहे हैं। देखिए प्रसाद और फूल माले लेकर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इसको लेकर के पूरी तैयारी है। पूरे पटना में राममय राम जय श्री राम की गूंज है और सबसे खास बात यह है कि पटना महावीर मंदिर ने जो न्यास समिति है इसकी उसने अयोध्या के राम मंदिर के लिए सोने का जो तीर धनुष है वो भेंट किया है, मतलब यहाँ से 2.5 किलो का सोने का जो धनुष है वो अयोध्या के राम मंदिर के लिए भेंट किया गया है। बड़ी सवेरे से पाठ भी लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए ये हनुमान चालीसा का पाठ है, ये लोग देखिए कर रहे हैं और जी बिल्कुल देखिए पूजा, ये लोग सुबह से ही पहुंचे हैं और आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे कैसे हर राम भक्त बेकरार अपने इष्ट अपने आराध्य के दर्शन के लिए। आज पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, पूरा देश दीपावली मना रहा है, पूरा देश सज धज कर तैयार है, भगवान श्री राम आ रहे हैं और भगवान श्री राम को लेकर जो हर राम भक्त ने ख्वाब देखा था कि टेंट से निकलकर भगवान श्री राम का अपना भव्य मंदिर हो, आखिरकार वो सपना साकार होने जा रहा है। 500 सालों का तप राम भक्तों का अब सफल होने जा रहा है, साकार रूप लेने जा रहा है, क्योंकि उनके इष्ट उनके राम जी आ रहे हैं,